तेलंगाना स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर, तेलंगाना स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर श्री सबिता इंद्रा रेड्डी जी ने कल ही एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के साथ डिस्कशन करके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिसीशंस लिया गया है, जिसके अंदर स्कूल्स के बारे में और इंटरमीडिएट और डिग्री के बारे में, यानी डिग्री के दोस्त जो प्रोसेस है उसके बारे में, एमसेट और पॉलीसेट के एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट्स के बारे में भी कुछ मालूम किया गया है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल शॉर्टली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्कूल्स के बारे में बात करेंगे तो इसी महीने के 17 तारीख से सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन करने को कहा गया है 50% स्टाफ के साथ। जो 50% स्टाफ है वो भी डे बाय डे आएगा और ये 50% स्टाफ कंपलसरी स्कूल के अंदर अटेंड होना जरूरी है। और ये लोग डे जो भी 50% आएंगे वो लोग स्टूडेंट्स को वर्कशीट देंगे और व्हाट्सएप के जरिए या डायरेक्ट वर्कशीट देंगे, और इसके अंदर कोई भी डाउट होंगे तब भी वो लोग व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट वो लोग के डाउट्स भी क्लियर करेंगे। इस तरह का डिसीशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया है। इसी तरह इस महीने की 20 तारीख 20 से 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दूरदर्शन या टीसैट तेलंगाना सैटेलाइट चैनल जो है उसके अंदर भी लेसन्स एक्सप्लेन किया जाएगा और उसी को टेलीकास्ट किया जाएगा, और इसका टाइम टेबल जो भी होगा ये लोग हमको देंगे। इसी टाइम टेबल के मुताबिक ये लोग लेसन सुनकर सभी सब्जेक्ट को सीखना होगा, और कौन सी क्लास को कितने बजे लेंगे दूरदर्शन के अंदर ये भी टाइम टेबल दिया जाएगा। और नेक्स्ट 3, 4 और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी सितंबर में लेसन्स पढ़ाने वाले हैं, और इनके लिए भी डायरेक्ट लाइव क्लासेस होंगे, वो भी टीसैट या दूरदर्शन जैसे चैनल के जरिए, इन्हीं के जरिए ये लोगों को सीखना होगा। और अगर हम इंटरमीडिएट की अपडेट देखेंगे या इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे तो इस महीने की 17 तारीख से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के जरिए टीवी या दूरदर्शन साइट के जरिए इन लोगों को भी लेसन एक्सप्लेन किया जाएगा, उसी लेसन को ये लोगों को सुनना होगा। और फर्स्ट ईयर एडमिशन के बारे में 1 सितंबर के बाद शुरू करने का डिसीशन लिया गया है। और नेक्स्ट डिग्री के बारे में बात करेंगे तो जो दोस्त जो प्रोसीजर है ये शुरू होगा इसी महीने के, और इसके डेट 12th तारीख को इसी महीने के इसको देंगे। इसी तरह एक नज़र हम डेट्स पे डालेंगे तो जो ई सेट का जो एग्ज़ाम होगा वो 31st को होगा। जो लोग पॉलीसेट पास पॉलिटेक्निकल पास कर चुके हैं वो लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह पॉलीसेट जो है 1 सितंबर को रखा गया है। एम सेट के जो डेट्स है 9, 10, 11, 14 को रहेंगे। रिमेनिंग एम सेट मेडिकल लॉ सेट और एड सेट एजुकेशन टेस्ट जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे इसके डेट्स जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। डेट्स अभी एडजस्ट नहीं होने की वजह से ये लोग डेट्स को अभी ये लोग अनाउंस नहीं करें, लेकिन 3 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट्स ये लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। और इसी तरह अभी जो हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 0 ईयर होगा, ये कई लोग का कहना है, पर इस साल 0 ईयर नहीं होगा, पूरे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे कहकर पार्लियामेंट्री ने सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दिया है। इस एजुकेशन एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक आखिरी में सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 ईयर नहीं होगा। यही कुछ बातें थी बोलना था आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।